अलवर की पहली महिला एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा है कि सशक्त समाज बनाने के लिए बेटे और बेटियों को बराबर का दर्जा देवे। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विशेष संवाद सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने ये बात कही। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और देश भर में बालिका और महिलाओं के लिए सरकार की ओर से विभिन्न कार्यक्रम और उनको आत्मनिर्भर के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित हैं और कई मामले महिलाओं से अत्याचार से जुड़े भी सामने आते हैं। अलवर जिले में पहली महिला आईपीएस एसपी के तौर पर तेजस्विनी गौतम यहाँ लगी हुई है, जिन्होंने कई नवाचार अलवर जिले में किए हैं। मैडम, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है तो उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैसेज सिर्फ बालिकाओं के लिए नहीं दूंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, उसके लिए मैं ये जरूर कहूँगी कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि विमेन सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी या एक अच्छा माहौल हमारे एक ऐसे वर्ग को मिले जो अब तक नहीं मिलता आ रहा है। क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध, तो उसमें एक सोसाइटी के रूप में, एक समाज के रूप में हम सबकी ज्वाइंट जिम्मेदारी बनती है, ज्वाइंट दायित्व बनता है कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बच्चों को, अपने बेटों को ये सिखाएं कि एक सशक्त समाज के लिए दोनों, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों को बराबरी का और इक्वालिटी का दर्जा देना ज़रूरी है। जब तक हम एक को कमज़ोर समझते रहेंगे तब तक दूसरा वर्ग, चाहे वो कोई भी हो, उसके ऊपर दबाव बनाता रहेगा। अगर हम अपने बेटियों को सिखाते हैं कि आप खुली छूट के साथ अपने अपने सपनों का पीछा करें, तो अपने बेटों को भी सिखाना होगा कि किस तरीके से एक लड़की की इज्जत की जाती है और कैसे उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करना वो उसी की पर्सनालिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कलंक है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मेरा मैसेज दोनों को, अलवर वासियों को, अलवर की मेल जनता को और अलवर की फीमेल जनता को यही होगा कि अलवर का जो नाम पिछले दिनों में मीडिया में या इस तरीके से अगर है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संगीन मामले रजिस्टर होते हैं महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अत्याचार के मामले, उनमें हम एक ऐसे जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इतना अच्छा काम करें कि हम किसी भी तरीके की उत्पीड़न, किसी भी तरीके का, इस तरीके की चीज़ अगर हमारे सामने होती है तो हम वो नहीं सहेंगे, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और हम साथ देंगे पुलिस का, न्याय प्रणाली का और अपने घरों में होने वाली इन अत्याचारों का, जो क्योंकि 90% केसेस घरों में ही होते हैं। और आज शाम कलेक्टर मैडम, हमारी रालसा की जो सेक्रेटरी हैं रेणुका हुड्डा मैडम, मैं और खुद डीजीपी राजस्थान, आप सब से शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बाल दिवस की, गर्ल चाइल्ड के डे पर आप सबसे वार्ता करेंगे अलवर पुलिस के फेसबुक लाइव पर। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे साथ जुड़ें, उस वार्ता को सुनें और हमारे आने वाले कैंपेन्स में हमारा साथ दें। जय हिंद।